ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी वे में मेरे भाई है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 डालिए, देखिए एक सेकंड कैमरे में दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन सर आपने बता दिया, एकदम स्क्रीन पे लगा पड़ा है क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो मैं भी लिखता हूं, ठीक है। फैक्टराइज करना है अपन को 27x³ ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे 27x³ + y³, ठीक है, ऐसा कुछ है 27x³ + y³। और क्या है मेरे भाई, और क्या दे रखा है, +z³ + z³ - 9xyz, ठीक है बेटे, यही क्वेश्चन लिखा है। देखो क्वेश्चन को प्यार से देखो, घबराना मत, एकदम घबराना नहीं, एकदम ध्यान से देखते हैं। अगर मेरे भाई मैं 27x³ को लिखना चाहूं तो 3x³ नहीं लिख सकता क्या? जरा बताओ ना कि 27x³ को अगर अपन लिखना चाहें तो क्या मेरे भाई 3x³ नहीं लिख सकते क्या? क्यों नहीं लिख सकते सर? 3x³ हो सकता है सर, 3 3 9 3 27 होता है। अगर 3x करोगे, 3x × 3x × 3x, तो 3 3 9 3 27 एंड x into x x² का मल्टीप्लाई x में कर देंगे मेरे भैया, तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। दैट्स वाई अपन लिख सकते हैं 27x³ को 3x³। सर क्यों ऐसा लिख रहे हो मेरे भैया, रुको बता रहा हूं। y³ को अपन y³ नहीं कर सकते क्या? z³ को अपन z³ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? इसमें अगर देखें तो इसके अंदर देखें तो 3 है, ठीक है, 3 × ये नंबर × ये नंबर × ये नंबर। सर इसमें तो कुछ हो रहा है सर, अगर ध्यान से देखें, तो a³ + b³ + c³ - 3ab = कुछ हो रहा है। a³ + b³ + c³ - 3 - 3abc। सर इसके इक्वल ये एक आइडेंटिटीज है, आप इसके बराबर क्या पढ़े होंगे, आप इसके इन सब के इक्वल क्या पढ़ा आपने? अगर नहीं पढ़ा तो देखो ध्यान से, a+b+c एक ब्रैकेट में होता है, अनदर ब्रैकेट में मेरे भैया x² ठीक है +b² + c² ठीक है सर, अनदर ब्रैकेट में देखो a²b²c², समझ में आ रहा है। अगला देखो -ab - bc ठीक है, -ab - bc फिर -ca कर दो, क्या बात है सर, क्या इजी फॉर्मूला है, क्या इजी आइडेंटिटी बताया आपने। ये मेरे भाई एक आइडेंटिटी था, आपको ये लर्न होना चाहिए, सर क्या बोला आपने कि a³ + b³ + c³ - 3abc में क्या होता है, a+b+c एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a²+b² + c² - ab - bc - ca सर हो गया, ठीक है सर। ये बताओ कि यहां पे सर आपको a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, यानी कि अपन के पास जो इसमें रखना है, मैं क्या करूंगा, a की प्लेस पे अपन 3x रखेंगे, यानी कि मैं छोटा-छोटा यहां लिख देता हूं, छोटा-छोटा यहीं पे लिख देता हूं कि जो a होगा मेरे भैया वहां पे अपन 3x लेके चलेंगे, जो b होगा वहां पे अपन नॉर्मली y रखेंगे, जो c होगा जहां-जहां वहां z रखेंगे नॉर्मली, ठीक है सर। इतने फॉर्म में तो अपन का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता, इस फॉर्म में, तो अपन ये लाते, ठीक है, अपन को क्वेश्चन इस फॉर्म में मिला है तो अपन इसको लाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रहा है। ये देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन है ना, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आपके पास a+b+c है, तो आपको a की प्लेस पे 3x, b की प्लेस पे y एंड c की प्लेस पे z लेके चलना होगा, ठीक है सर। चलो एक ब्रैकेट में करेंगे 3x + y + z, क्या किए सर ये आपने, क्योंकि बोल रहा है a+b+c ठीक है, तो a प्लस बी
प्लस सी मैंने कर दिया, अनदर ब्रैकेट में बोल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट मीन्स तीन एक्स का स्क्वायर, ठीक है तीन एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर। चलो उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है सर, बी का स्क्वायर है तो बी यहाँ पे मेरे भैया वाई है तो वाई का स्क्वायर, ठीक है सर। प्लस उसके बाद सी का स्क्वायर, मेरे भैया जेड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है सर, तो माइनस ए बी का मेरे भैया थ्री एक्स इंटू वाई हो जाएगा। सर कैसे किया आपने, क्योंकि आइडेंटिटी में बोल रहा है कि माइनस ए बी, ठीक है सर माइनस ए बी, तो ए की प्लेस पे अपन ने 3x रखा, b की प्लेस पे y रखा, फिर आइडेंटिटी बोल रहा है बेटा माइनस लगाओ, फिर बोल रहा है b इंटू सी करो, तो b मेरे भाई y है, ठीक है y का मल्टीप्लाई अपन c से करेंगे, ठीक है y का मल्टीप्लाई c से, तो c की वैल्यू कितनी है मेरे भैया z है यहां पे। चलो उसके बाद ये माइनस लगाओ c इंटू a, c की प्लेस पे z रखना है अपन को तो z रखेंगे, y की c इंटू a तो a की प्लेस पे 3x रख दो, 3x रख दो। सर इस लाइन में क्या किया एक बार बताओ, एक बात समझो, अपन का क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में क्वेश्चन है, अपन को सॉल्व इस फॉर्म में करने का, ठीक है। तो हम लोग को अगर ए बी सी पता चल चुका है तो मैं इस वाले लाइन में जहां जहां ए है मेरे भाई, जहां जहां ए है मेरे भाई वहां वहां अपन ने 3x रखा, जहां जहां बी है मेरे भाई वहां वहां अपन ने वाई रखा, ठीक है सर, जहां जहां सी है सर वहां वहां अपन ने जेड रखा, तो कोई दिक्कत है क्या। चलो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या बोल दिया सर एक बार और बोलो, ए प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस हो गया बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। यानी कि आपने आपने क्या किया, आपने क्या किया कि इस फॉर्म में क्वेश्चन था, इस ये उसकी आइडेंटिटी होती है, अपन ने इसमें ए बी सी पुट कर दिया। चलो उसके बाद सर अगली लाइन प्रोसीड करते हैं, 3x plus y plus z as it is copy paste करेंगे, as it is copy paste करेंगे। सर ये 3x का होल स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 हो गया, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। y स्क्वायर हो गया, ये y का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर ही तो मिलेगा, z के होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे मेरे भैया तो z स्क्वायर ही तो मिलेगा। चलो ये माइनस है और 3xy हो जाएगा, 3xy हो गया, माइनस है 3x का मल्टीप्लाई y में करेंगे, बीच में मेरे भाई मल्टीप्लाई होता है तो 3x का मल्टीप्लाई अगर y में कर दें तो 3xy हो गया। चलो ये वाला माइनस yz हो गया, y का मल्टीप्लाई z में करेंगे मेरे भैया तो yz हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला माइनस करिए एंड 3xz कर दीजिए, 3xz कर दो, कुछ नहीं सर z into 3x था एकदम, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, कुछ नहीं था सर, एकदम इजी वे में बात कर दिया आपने, एकदम इजी वे में बात कर